हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट डीसी यूनिवर्स की सबसे इम्पोर्टेंट कॉमिक में से एक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये तो आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। फ्लैश पॉइंट में जिक्र किया गया है फ्लैश का, रिवर्स फ्लैश का और स्पीड फोर्स का। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत सेंट्रल सिटी के एक पुलिस डिपार्टमेंट से होती है जहां बैरी एलन एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है। बैरी उठ जाओ, बैरी जल्दी उठो। हाँ मैं जानता हूँ कि मिस अल्केमी के केस के पीछे हमने पूरी रात लगा दी है, लेकिन डायरेक्टर सिंह कभी भी आते होंगे, जल्दी उठ जाओ। मिस अल्केमी? कौन मिस अल्केमी? डायरेक्टर सिंह, हमारे हीरो और पाइप पाइपर्स के बीच में शूट आउट हो रहा है सिटीजन कोल म्यूजियम के बाहर, और वो उस विटनेस के पीछे जिसको हमने उस मर्डर के सिलसिले में पकड़ा था। बैरी, काम के वक्त वापस सो रहे हो? बाहर सिटीजन कोल्ड तबाही मचा रहा है और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। आपका मतलब कैप्टन कोल्ड, वो बदमाश? अब ये बदमाश कौन है? मेरी अंगूठी। बैरी, मॉम, क्या ये सच में आप हैं? तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे बर्थडे पर मुझे डिनर पर लेकर जाओगे। आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद तो है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। हाँ बेटा, ये मैं ही हूँ। हमेशा की तरह मैं टाइम पर आई हूँ। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा मॉम। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मॉम, अगर आप यहाँ पर हैं, तो डैड कहाँ है? कहाँ है वो? बैरी, तुम्हारे डैड को 3 साल पहले हार्ट अटैक आया था। क्या हुआ था बैरी, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे थे? मैं ही फ्लैश हूँ मॉम, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। फ्लैश? ये फ्लैश कौन है? क्या आप फ्लैश को नहीं जानते? फ्लैश वही जो बहुत तेज दौड़ता है और जस्टिस लीग का मेंबर भी है वो तो। और ये जस्टिस लीग क्या चीज है? हाँ, आप जस्टिस लीग के बारे में भी नहीं जानते? हाँ तो सुपरमैन का नाम तो सुना ही होगा आपने। सुपरमैन? बैरी, तुम ठीक तो हो ना? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? क्या? हाँ तो बैटमैन का तो नाम सुना होगा आपने। ओ, बैटमैन, उसे कौन नहीं जानता। और उसी रात बैटमैन जोकर का पता लगाने के लिए एक सुपर विलन योयो का पीछा कर रहा होता है। वहीं रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ योयो, जोकर कहाँ है? जोकर कहाँ है? वो हम सब में है बैटमैन, तुम में, मुझ में, गॉथम सिटी के हर एक इंसान में। तुम्हें नहीं लगता कि हम सब के सब थोड़े बहुत पागल हैं? मैं पागल नहीं हूँ। मुझे बताओ कि जोकर कहाँ पर है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कोई भी सीधे दिमाग वाला गॉथम सिटी में रह पाएगा क्या? तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? नहीं बताऊंगी। जज डेंट के दोनों बच्चों को किडनैप करने में जोकर का हाथ था, बताओ वो कहाँ पर है? अगर मुझे कुछ पता भी होता तो तुम कुछ कर नहीं लेते बैटमैन। अब तक तो वो मर चुके होंगे। जाओ मरो। बैटमैन जैसे ही योयो को नीचे फेंकता है, साइबॉर्ग टेलीपोर्टेशन यूज करके उसे पकड़ लेता है। मैं हार मानती हूँ। समझदार हो बैटमैन। तुम्हें उसे मरने देना चाहिए था। तुम नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा? थर्मल विजन, साइबर हियरिंग, या फिर तुम्हारे सैटेलाइट का प्लगइन जिससे तुम गौतम पर नजर रखते हो? ये उतना भी आसान नहीं था। गौतम की रात में तुम शिकार कर रहे हो और तुम उन्हें उसी जगह पर ले आते हो। वो बस फिसल गई थी। मैं यहाँ तुम्हें जज करने नहीं आया हूँ बैटमैन। तुम ये काम पहले करते हो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम? भूल जाओ। साइबॉग अपनी बूम ट्यूब का इस्तेमाल करके कई सारे सुपर विलन्स और सुपर हीरो को बैटमैन के सामने खड़ा कर देता है, और साइबॉग उसे बताता है कि वंडर वुमन और एक्वामैन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, और इस वजह से उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में कई सारे मासूम लोग भी मारे जा चुके हैं। तुम जानते हो हम यहाँ क्यों हैं बैटमैन? 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे अटलांटिस ने जब पश्चिमी यूरोप को डुबा दिया था। उससे पहले 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब अमेज़ॉन्स ने यूनाइटेड किंगडम को नया थैमेसीरा घोषित किया, वो दोनों धरती पर राज करना चाहते हैं। हमें एक्वामैन और वंडर वुमन को रोकना होगा उससे पहले कि वो धरती को तबाह कर दें। तुम जानते हो वो कितने ताकतवर हैं? तुम जानते हो उनके साथ कौन है? मुझे जानना है अभी कौन है मेरे साथ। कोई भी यहाँ दोस्त नहीं है,
लेकिन इस समय अतीत को अतीत में ही रहने दो, सिर्फ आने वाला कल ही मायने रखता है। जितना हो सके जल्दी हमें एक प्लान बना लेना चाहिए जिसमें तुम भी आ रहे हो बैटमैन। इस धरती पर तुमसे बेहतर रणनीति और कोई नहीं बना सकता। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला साइबॉर्ग। बैटमैन, एक्वामैन और वंडर वुमन अब ताकतवर नहीं रहे। मैं कोई राजा और रानी के बारे में नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर तुमने इन सभी को उस लड़ाई में शामिल किया तो ये लोग एक दूसरे को मार डालेंगे और अंत में ये तुम्हें मार डालेंगे। दुनिया युद्ध के कगार पर है और अगर ऐसा होता है तो ना गौतम बचेगा ना तुम। और इस लड़ाई को रोकने के लिए साइबॉर्ग ने एक टीम बनाई थी, पर उसे बैटमैन की मदद की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर बैरी एलन बैटमैन को ढूंढने के लिए वेन मैनर जाता है, लेकिन वेन मैनर को खंडर देख उसके होश उड़ जाते हैं। वेन मैनर के अंदर जाते ही बैरी अल्फ्रेड को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए बैरी बैट केव में उसे ढूंढने जाता है। बैट केव के अंदर जाते ही वो देखता है कि ये वो बैट केव नहीं है जो उसने देखी थी। यहाँ ना ही कोई कंप्यूटर्स है और ना ही कोई गैजेट्स है, तो बस दो टेबल्स, उसमें से एक पर कुछ हथियार रखे थे और दूसरे पर एक फोटो रखी थी। बैरी ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। बैरी बस पलटने ही वाला होता है कि बैटमैन उसे जोर से पटक देता है। कौन हो तुम? तुम आखिर हो कौन? ब्रूस रुक जाओ। ब्रूस, क्या तुम भूल गए? ये मैं हूँ बैरी एलन। ब्रूस, हाँ मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ ब्रूस। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी तोड़ डालूंगा। क्या इसका मतलब? तुम, इसका मतलब उस रात तुम्हारी जगह ब्रूस? ये तुम क्या कर रहे हो? बताओ मुझे तुम हो कौन? तुमने मेरी उंगली तोड़ डाली और हाथ भी तोड़ने ही वाले थे। क्या जोकर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? क्या? नहीं, मेरा नाम बैरी एलन है और तुम्हारी तरह मेरी एक और पहचान है। मेरा नाम फ्लैश है। एक बड़े से बिजली के झटके के बाद मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बन गया था। मेरे एक वार से नहीं बच पाए और तुम तेज होने की बात करते हो, ये सराफा बेच। इसी वजह से मैं अपनी पावर खो चुका हूँ और यहाँ पर फ्लैश को कोई नहीं जानता। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं किसी और पृथ्वी पर आ गया हूँ या फिर किसी मिरर वर्ल्ड में फंस गया हूँ। तुम गलत जगह आए हो बच्चे। पिछले साल एक्वामैन ने एटलांटिस की सेना के साथ यूरोप पर हमला कर दिया था। उसके बाद वंडर वुमन ने लंदन पर हमला कर दिया था। मेरी याददाश्त वापस आ रही है। क्या यह कोई पैरेलल यूनिवर्स है या कोई मिरर वर्ल्ड है? और क्या यही असलियत है? ये बात तुम्हारी मुझे अच्छी लगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं सच बोल रहा था। ये रही मेरी अंगूठी और मैं अपनी यूनिफॉर्म इसी के अंदर छुपा के रखता हूँ। ये मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, वो शायद हमें देख रहा होगा अभी। वो इतना तेज दौड़ता है कि कोई उसे नहीं देख पाता। ये यूनिफॉर्म उसी का है, इओबर्ट थॉर्न का। कौन? ये कैसा नाम हुआ? वो फ्यूचर से आया है। वो 25th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है। उसके पास भी वैसी ही पावर है जैसी मेरे पास थी, और वो अपने एरा का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है। और उसने उस एक्सीडेंट को रिप्लेस कर दिया जिससे कि मैं फ्लैश बना था। और वो खुद को प्रोफेसर जूम यानी द रिवर्स फ्लैश बुलाता है। द रिवर्स फ्लैश? तो उसकी यूनिफॉर्म तुम्हारे रिंग के अंदर कैसे आई? और हाँ, दूसरी बात, ये उसके अंदर फिट कैसे होती है? ये मेरी अंगूठी में इसलिए आया क्योंकि उसी ने रखा होगा, और वो मुझे बताना चाहता है कि आखिर उसके पीछे इसी का हाथ है। तुम जोकर से भी ज्यादा पागल हो, क्या तुम आखम से तो नहीं हो? मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर वेन, आप समझ नहीं रहे हैं। वो इतना ही तेज दौड़ता है जितना कि मैं दौड़ सकता हूँ, और वो ऐसी चीजें कर सकता है जो कि मैं नहीं कर सकता। वो हिस्ट्री भी बदल सकता है। जब मैं 10 साल का था, मेरी मोहम का कत्ल हो गया था, और उनके कत्ल के इल्जाम में मेरे डैड को दोषी ठहरा गया, और मैंने अपनी पूरी लाइफ एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनने में गुजार दी ताकि मैं अपने डैड को बेगुनाह साबित कर सकूं और अपने मोहम के असली कातिल को ढूंढ सकूं।
लेकिन मेरे डैड की जेल में ही मौत हो गई और मुझे कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जब से मैं फ्लैश बना हूँ तब से मैंने पूरी लाइफ कातिलों को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे अब तक नहीं मिले। और थॉर्न जो है वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरी मोम को मारा था। लेकिन आज ही मैंने उन्हें जिंदा देखा। मुझे पूरा डाउट है कि थॉर्न फिर से टाइम के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। सब कुछ उलट पुलट हो गया है। यहाँ किसी ने सुपरमैन का नाम तक नहीं सुना, और पता नहीं एक्वामैन और वंडर वुमन आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ब्रूस के बारे में क्या? तुमने मुझे ब्रूस के नाम से बुलाया था। हाँ बिल्कुल, जिस दुनिया को मैं जानता हूँ वहाँ ब्रूस की जगह आप मारे गए थे और ब्रूस बैटमैन बन गया था पूरी गॉथम सिटी को क्राइम से बचाने के लिए। ब्रूस जिंदा है? आपका बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम वापस सब कुछ ठीक कर सकते हो जिससे मैं ना रहूं लेकिन ब्रूस जिंदा रहे। सबसे पहले मुझे रिवर्स फ्लैश को ढूंढना होगा और जानना होगा कि आखिर उसने किया क्या है, और उसे इस टाइमलाइन को रिवर्ट करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। क्या सच में तुम इस दुनिया को बदल सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे अपनी स्पीड की जरूरत है। बैरी अपनी पावर्स को वापस पाने के लिए बैटमैन के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे कि वो सारे केमिकल्स और बिजली को एक साथ मिला सके। खुद के अंदर ये सब केमिकल डाल के और खुद के ऊपर बिजली का झटका लेके क्या तुम वापस फ्लैश बन जाओगे? हाँ बिल्कुल, इसी तरह मैं पहली बार फ्लैश बना था। वैसे कहते हैं कि बिजली दोबारा एक जगह नहीं गिरती, तुम आखिर कर क्या रहे हो? हाँ हाँ, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, तो क्यों ना हम खुद ही स्विच ऑन करके देख लें। आ जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ, मैं यहीं। जैसे ही बैटमैन मशीन ऑन करता है बैरी को एक जोर का झटका लगता है और सारे केमिकल्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं और इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर बैरी फिर से फ्लैश बन पाता है या नहीं, क्या बैरी को अपनी पावर्स वापस मिलेगी। जानने के लिए देखते रहिए फ्लैश पॉइंट। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और साथ ही उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल